के ब्लॉग। तो इस समय मैं अपनी ऑफिस पर हूँ और देख सकते हैं मेरी गाड़ी की सजावट, दुल्हन से सजी ये मेरी गाड़ी पूजा करने के लिए तैयारी पर। देख सकते हैं भाई मेरी गाड़ी की सजावट कैसा लगा, मेरी गाड़ी की सजावट कमेंट करके बताइएगा। गंगे के बोले के साथ धन्यवाद। तो कलेगा लगा हुआ है खिचड़ी बनाने में, देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाई पर खिचड़ी बन रहा है इस समय यहाँ पर डाबलवाड़ी कॉम्प्लेक्स पर। यहाँ सब्जी तोला जा रहा है पानी से। तो ये सब्जी तोला जा रहा है इस समय यहाँ पर, उसके बाद यहाँ कढ़ाई पर डालेंगे। देख सकते हैं काफी बड़ी कढ़ाई है। तो हमारा गुंगी नुंग जी यहाँ का कालीगढ़ मास्टर है, दूसरी और है कायमुल अंसारी। देख सकते हैं ठेले पर लादा हुआ है खिचड़ी का जो बर्तन, तो खिचड़ी के जो बर्तन है काफी भारी मात्रा पर है और इसको ऑफिस के अंदर लेके जा रहा है, जहाँ पर खाने की व्यवस्था है का किया गया है उसी जगह पर ले जा रहा है। तो इसको बर्तन को पकड़ने के लिए यहाँ चार चार आदमी लगा हुआ है और इसको उठाया जा रहा है जैसे तैसे। और ये रही टेबल है जो यहाँ पर आकर खाएंगे हम लोग पूजा होने के बाद। तो ये रही टेबल जो हम लोग यहाँ खाएंगे। तो हमारे साथ अतो जी है, वो भी यहाँ देख रेख में लगा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं अभी यहाँ ये खाने के लिए हम लोग टेबल लगाया है, क्या मैं खिची सब्जी जो लोग आएगा उनको खिलाने के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और भाइयों खिचड़ी बन रही है, तैयार हो रहा है क्या? हम लोग भी दिखा, अभी हम लोग का थोड़ा बाकी है और हो जाएगा 12:30 टाइम में तो हो जाएगा हम लोग का। अभी ये भी है, अभी पूरा ये हो जाएगा, इसका भी काम का खिचड़ी हो जाएगा कम्प्लीट। ठीक है, पूरा गर्म से थका हुआ इस समय यहाँ पर पसीने के पसीने। और ये देख सकते हैं इस समय सब्जी तैयारी पर। और कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। और 10 मिनट ठीक है क्या? गए बाकी सब गल गया है, बाकी सब गल गया है। क्या नहीं गला है? पूजा समाप्त हो चुका है तो यहाँ गाड़ी को पूजा कर रहा है। तो हमारे यही सब भी यहाँ खड़े हैं इस समय यहाँ पर, साथ में कुमार विजय और यहाँ पंडित जी। भगवती जय। तो हमारे नाथ बाबू जी, अरे नाथा गाड़ी पूजा हुई आसी नहीं की? हाय पूजा हुई आसे, इतना हमारे पंडित पूजा कोई भोग गाड़ी एकदम मोर गाड़ी। अच्छा, जय जय विश्वकर्मा बाबा की जय, जय विश्वकर्मा बाबा की जय। ये पंडित का दक्षिणा इसी प्रकार यहाँ पूजा संपन्न हो चुका है। तो अब प्रसादी की तैयारी है यहाँ पर, तो प्रसादी के लिए रेडी हो रहा है यहाँ इसी प्रकार। यहाँ मैं टैक्सी स्टैंड पर आया हूँ बोडुमसा के, तो यहाँ पर देख सकते हैं और ये पेंडल सजावट। तो यहाँ पूजा शुरू नहीं हुआ है, पुजारी जी बैठे हुए हैं इस समय यहाँ पर और मोहन प्यारे जी यहाँ हाथ हिलाते हुए प्रसादी पैकिंग रेडी है और बाकी है रेडी करने के लिए। तो आप लोग आज क्या क्या प्रोग्राम है? आज तो हम लोग का ये खिचड़ी का आइटम है। खिचड़ी का आइटम आप कब तक से खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4 बजे से आपका 8 बजे तक। आइए सब लोग, आइए प्रसाद का उपभोग करिए, आइए सब लोग। अच्छा। आप लोग का निमंत्रण है। खिचड़ी के साथ और कुछ प्रोग्राम है कि नहीं आपका? ऐसे आरती कॉम्पिटिशन होगा। आरती कॉम्पिटिशन, अच्छा।
धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग का प्रोग्राम में क्या क्या रखा हुआ है? प्रोग्राम में अब खिचड़ी वितरण होगा और पहला उसके बाद में जूनियर सीनियर का आरती का मटका होगा, जो कि मटका फोर हम लोग रखेंगे। और मटका फोर तो आप लोग का फेवरेट ये गेम माना जाता है, तो ये हर एक साल करते हैं। हाँ हाँ, तो यही सब हम लोग का कार्यक्रम है। अभी पंडित आए हुए, अभी हम लोग का पूजा स्टार्ट होगा। जी हाँ, तो आप लोग का पूजा जो पंडाल है वो किस जगह पे है इस समय? बड़दूसा गांधी स्टेच्यू के सामने में है। जी हाँ, बाजार के अंदर में है। अच्छा, तो इसको किस काम से जाना जाता है? ये काम से मतलब ये गांधी स्टेच्यू के सामने से मार्केट एरिया में है हम लोग। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बसे रे, और आप दिखाने जा रहे हो स्पेशल प्रोग्राम, जो कि यहाँ प्रोग्राम के कार्यक्रम जो बना जा रहा है इस समय, यहाँ खिचड़ी की जो बनाने के लिए यहाँ रेडी किया जा रहा है। सब्जी काट रहे हैं? सब्जी खिचड़ी के लिए सब्जी काट रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको, रंगालाव कद्दू? कद्दू। और अंगम भाई जी बोलिए, क्या काट रहे हैं? पम्पकिन। पम्पकिन, बढ़िया। हम लोग टैक्सी स्टैंड के आइएगा, आप भी आइए खाने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए। भाभी को नहीं, होल फैमिली को लेके आइए। ओके, धन्यवाद। तो इस समय देख सकते हैं यहाँ पूरे मार्केट माला फूलों से सजा हुआ है, जो विश्वकर्मा पूजा के लिए। तो काफी अच्छा लग रहा है इस समय मार्केट देखने के लिए, पूरे मालों से सजा हुआ है मार्केट। ये हमारे बोडमसा के मार्केट है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ बाहर पर बुनिया भुजिया रखा हुआ है, काफी फूलों से सजाया गया है मार्केट को। और यहाँ पर फल वाला जो फल लेके बैठे हुए इस समय, यहाँ पर पूरी की पूरी फलों की दुकान से भरा हुआ है। तो गाइस, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।